हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल आर्टिस्टी होम पे आपका स्वागत है। आज हमने इस वीडियो में लिपन आर्ट बनाया है। देखिए इसमें कलर कॉम्बिनेशन कितना अच्छा लग रहा है। इसमें मिरर भी सारे हर शेप साइज के हमने मिरर लगाए हैं। इसके साथ साथ हमने इसमें बीच बीच में डॉट मंडाला भी किया है। ये देखने में कितना प्यारा लग रहा है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ये राउंड शेप का अपना एमडीएफ लिया है, इस पर हमने डिज़ाइन बना लिया है। और इसको बनाने के लिए ये हम टूल का इस्तेमाल करेंगे। ये टूल हमने खुद से बनाया है। और इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे और कहाँ कहाँ कर सकते हैं इसको भी हम करके दिखाएंगे। अगर ये इसका ट्यूटोरियल आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे कैसे करेंगे। ये देखिए, फर्स्ट इससे हम कट करने के लिए ये इस्तेमाल करेंगे। अब ये हम दूसरा वाला टूल इस्तेमाल करके दिखाएंगे। यस, सेकंड वाला। ये थर्ड। ये फोर्थ मैंने देखी। इधर ये हाफ सर्किल है और इधर ये इस तरह से हमने कट किया हुआ है। ये देखिए, ये इस तरह से है और हाफ सर्किल वाला से कहीं भी हाफ सर्किल बना लेंगे। और इसी तरह से ये हम सभी टूल्स को अपनी लाइनिंग पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आउट लाइनिंग हम बनाते हैं उस पे जो डिज़ाइन क्रिएट करना हो तो इस तरह से। ये मैंने चिपकाया नहीं है इसलिए ये बार बार उठ जा रहा है। जब आप उस पर एमडीएफ पे चिपका के करेंगे तो नहीं उठेगा। इसी तरह से ये सर्किल वाला भी हाफ सर्किल क्रिएट करेगा। ये देखिए। और इसी तरह से ये हमारा से आप कॉर्नर इस तरह से बना सकते हैं। और ये हमने केक के नोज़ल लिए हैं, ये बड़े छोटे सर्कल शेप बनाने के लिए, ये उससे छोटा। और ये मेरे पास मंडाला टूल्स है, इसमें हमने छोटे बड़े डॉट्स बनाने के लिए, ये देखिए ये बड़े डॉट्स हो गए और ये इस तरह से छोटे डॉट के लिए इस्तेमाल किए हैं। अब इसी तरह से हम और भी आपको इस नाइफ वाले पैलेट से भी ओनली वन लाइन सिंगल लाइन वगैरह बनाने के लिए इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए इस तरह से हम ये टूल का इस्तेमाल किए हैं। इसे आप भी इसी तरह से इस्तेमाल करें। तो चलिए अब हम अपना ये लिपन आर्ट वर्क शुरू करते हैं। ये हमने क्ले लिया है, इन दोनों को मिक्स करके हम बनाएंगे।
ये देखिए, ये हमने क्ले से पूरा अपना डिज़ाइन बना लिया है। इसमें देखिए सारे आउटलाइन पे हमने डिज़ाइन क्रिएट किए हैं। अब इसको हम इसका बेस जो है वाइट कलर से पेंट कर देंगे। ये देखिए, ये हमारा वाइट कलर से हमने पेंट कर लिया और अब ये सूख गया है। अब इसमें हम अपने सारे कलर फिल करेंगे। तो सबसे पहले
ये देखिए, ये हमने कलर सारे फिल कर लिए हैं। अब हम आउटलाइन पे एक बार और वाइट करेंगे, क्योंकि जो थोड़े कलर करते समय लग गए हैं उसको कवर करने के लिए एक बार फिर आउटलाइन करेंगे। ये देखिए, ये हमने सारे कलर फिल कर लिए हैं। इसका कलर कॉम्बिनेशन देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अब हम इसमें अपने ये मिरर लगाएंगे। ये मिरर हमने ऑनलाइन परचेज किया है, इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से ले सकते हैं। और इस देखिए, ये हमने एक प्लेन बॉक्स है ये, तो इसको हमने ऑर्गेनाइजर बॉक्स में कन्वर्ट किया है। और ये देखिए इस तरह से हमने किस तरह से अलग अलग हर चीज़ हमने रखा हुआ है। अगर आप हमारी ऑर्गेनाइजर बॉक्स का वीडियो देखना चाहते हैं तो इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो चलिए हम अपने मिरर लगाते हैं। ये स्मॉल सर्किल है, इसको मिडिल में लगाएंगे हम। ये स्क्वायर, ये हम अपने येलो पोर्शन में लगाएंगे। ये स्मॉल आइस शेप में मिरर है, इसको लगाएंगे अब हम। ये टीयर ड्रॉप इस मिरर, अब ये हम लगाएंगे। ये डायमंड शेप के मिरर, अब हम इसको लगाएंगे। लास्ट रो, ये स्मॉल ट्रायंगल शेप। ये देखिए, ये हमारे सारे मिरर लग गए हैं। अब इसमें हम डॉट मंडाला करेंगे, वाइट कलर से हम बनाएंगे। ये मंडाला टूल्स मैंने ऑनलाइन परचेज किया है, आप भी अगर परचेज करना चाहते हैं तो हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहां से देख सकते हैं।
ये देखिए, ये हमारा पूरा लिप आर्ट तैयार हो गया है। देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।